चलो अंदर रखो, अच्छे से रखो। आज की गुड मॉर्निंग हुई है 9:30 बजे और उठ गए हैं, शॉप जाना है। उसके पहले चाय पीते हैं, उसके बाद की जितनी भी सारी कहानी चल रही है वो सारी चीज़ें आपको यहीं पर देखने के लिए मिलेंगी, देखते रहिएगा। और यहाँ पर जो कॉफ़ी है वो रेडी भी हो गई है। कॉफ़ी तो आ गई हमारे पास। कल वाली जो वीडियो थी आप लोगों ने देखी होगी, बहुत ही छोटी सी स्टोरी थी और इसलिए मैंने उसका टाइटल दिया था छोटी सी स्टोरी हमारे बिजनेस की शुरुआत। तो कैसे स्टार्टअप हुआ वो सारी चीज़ें हमने कल वीडियो में आप लोगों को बताई है। जिन्होंने नहीं देखी है ऊपर आई बटन में आ रही है। बिजनेस सेटअप के बारे में अगर पूरी डिटेल चाहिए तो आप लोग जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे स्टोरी को बताने के लिए उतनी जल्दी आप लोगों को वो बिजनेस वाली स्टोरी देखने को मिल सकती है। तो उसके लिए आप जितना चाहे उतना कमेंट करिए। और आज नाश्ते में है इडली। इडली सांभर अभी जाते हैं, नहाते हैं, उसके बाद जाएंगे शॉप। शॉप के बाद क्या सीन होता है वो सारी चीजें आपको यहीं पर देखने के लिए मिलेंगी, इसलिए वीडियो में बने रही है। इंजॉय हो गए तैयार, अब निकल रहे हैं शॉप के लिए। आज काफी ज्यादा लेट हो गए, 11:30 हो चुके हैं, तो अभी फिलहाल चलते हैं शॉप। और आप सभी लोग इतने देर तक यहाँ थे तो एक बार पूछ लेते हैं फिर से, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप भाई की तरह एकदम मस्त होंगे और मस्त ही रहना है। और मैडम जी भी हो गई है तैयार। चलो तो घर से निकल चुके हैं शॉप जाने के लिए, शॉप चलते हैं। और आज के सीन में क्या होता है पता नहीं, क्योंकि आज ना भतीजे का बर्थडे भी है, तो भतीजे का बर्थडे भी आज सेलिब्रेट कर ही लेते हैं। अभी पहले शॉप संभालते हैं, शाम के वक्त जाएंगे हम, वो सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी यहीं पर। तो अभी के लिए फिलहाल चलते हैं शॉप। शॉप पहुंच चुके हैं, अब थोड़ी देर शॉप संभालते हैं, इसके बाद देखते हैं क्या सीन बनता है उसके बाद। तो भाई साहब शॉप क्लोज कर लेते हैं, इसके बाद मिलते हैं। चलो अंदर रखो, अच्छे से रखो, गुड गुड हेल्थ। चलो बाहर निकलो। तो अभी यहाँ से चलते हैं, समय हो गया है, बर्थडे में जाना था तो बर्थडे में चलते हैं। तो आज मैडम जी का बोल रहे हैं घुमा के लाओ, तो माँ दंतेश्वरी मंदिर वाली रोड पे हम लोग आ चुके हैं। और यहाँ से नज़ारे वो देखिए कैसे हैं, ये देखो भोले बाबा, माँ विष्णु भगवान और हमारे बजरंग बली, जय बजरंग बली। और ये है हमारी माँ जी का दरबार, कभी आएंगे अपन दर्शन कराएंगे। अभी आप लोग बाहर से ही दर्शन कर लीजिए, चलते हैं अभी यहाँ से। तो अभी हम जा रहे हैं बर्थडे बॉय के पास, चलते हैं वहाँ पे, जो भी है केक कटिंग जितनी जो भी सारी चीज़ें होंगी दिखाएंगे। चलिए, और दंतेवाड़ा से ये जो आप रोड देख रहे हैं मेरे राइट साइड में, यहाँ से ढोलकल के पहाड़ जाया जाता है। तो ढोलकल के पहाड़ अगर आप लोग वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में आ रही है, जाके देखिए। और हम भी हम चलते हैं बर्थडे बॉय के घर। भाई साहब हम जा रहे थे बर्थडे बॉय के घर में, लेकिन बर्थडे बॉय तो घर में था नहीं, तो हमारी वाइफ को वहाँ छोड़ दिया और हम आ गए अपने वही फ्रेंड के साथ, घूम रहे हैं, रोड के आनंद ले रहे हैं। और आप लोग भी लीजिए रोड का आनंद। और घूमते घूमते यहाँ अभिलाष भाई के रूम आए थे, तो अभिलाष भाई तो मिले नहीं, कहाँ गए थे पता नहीं। अभिलाष भाई वीडियो को देख रहे हो कमेंट करो, बताओ कहाँ गए थे। चलिए अभी चलते हैं यहाँ से घर। भाई के रूम से निकले ही थे कि ये जो नज़ारा है, देखिए शाम हो गई है और लाइट जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है यहाँ पर। चलिए नज़ारे एंजॉय करते रहिए और हम चलते हैं बर्थडे बॉय के घर। तो भाई साहब शकल के 12 बज चुके हैं और ये बर्थडे बॉय यहाँ पर अभी जाके मिले हैं, उस टाइम गायब थे कहीं, कहाँ गए फ्रेंड्स के साथ, देख रहे हैं फ्रेंडशिप चल रही है तो घर वाले। तो अभी ये काटते हैं, तब तक के लिए यहीं पर रहिए। उसका बर्थडे है बोल के वो मेरे गोप्रो के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, इसलिए माफ़ कर दे रहा हूँ।
वरना कल अगर छेड़ता ना तो इसका भुर्ता बनाने में 2 मिनट भी नहीं लगते मुझे। हाँ, परिवार में आने के बाद ये हो जाती है स्थिति। बर्थडे बॉय का केक, ऐसे बचपन में ना हमारे साथ हुआ करता था, देख रहे हो इतना खुशी। इसका खुशी तो देखो, और उससे ज्यादा खुश तो ये है, परेशान है बेचारा कि मैं कब केक काटूंगा। ये लोग तो काट रहे हैं बड़े होके, छोटा हूँ मैं, मेरा नंबर कब आएगा। बेचारे को पता नहीं है कि इसके साथ मजाक कर रहे हैं दोनों। खुशी देख रहे हो, काटने दो बोल रहा हूँ। तो भाई साहब, आज की जितनी मस्ती थी बर्थडे में, गए थे जो भी सारी चीज़ें हुई, वो सारी चीज़ें आप लोगों को दिखा दी हमने, कैसी लगी वो ज़रूर बताइएगा। और अभी फ़िलहाल चलते हैं सीधा घर, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी है, 8-10 हो गए हैं, जाना है, वीडियो एडिट करना है, बहुत सारे काम है। चलिए चलते हैं घर में, मुलाकात करते हैं, जल्दी से जाएंगे घर। सोच रहे थे पानी जो है ना रोड में दिख रहा होगा आप लोगों को, पानी चालू हो गया है। और रुकते हैं इधर, आज तो रुकना पड़ेगा। हो गया का 15 minutes later। बिजली कितनी जोर से चमक रही है, बस घर पहुंच जाने दो भाइयों एवं बहनों। आज बारिश का मज़ा भी ले लिया जाए हमने सोचा, तो आज बारिश के मज़े लिए जा रहे हैं, तो आप लोग भी लीजिए। बारिश काफ़ी तेज़ हो गई थी, तो जैसे तैसे पहुंच गए घर, और पूरा मैं भीग चुका हूं। मैं सोच रहा हूं वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। और हाँ, एक चीज़ और आप लोग बोल रहे, आप लोग के मन में आया हो कि भाई बर्थडे था दिखा दिए, मैं आप लोग को बता दूं कि हमारे भतीजे का बर्थडे था, और फैमिली के साथ अगर वक्त बिताना है तो इससे अच्छा टाइम कुछ भी नहीं, क्योंकि छोटे छोटे फंक्शनों में ही हम मिल पाते हैं फैमिली से, तो बस काफ़ी अच्छा लगता है। ऐसी आप में से कितने लोग ऐसा करते हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो आज की वीडियो में बस यहाँ तक, अगर वीडियो देखिए तो लाइक कर दीजिएगा। आई होप आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्यार से लाइक, प्यार से कमेंट, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं कल वाली किसी बढ़िया सी वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।